तो गाइस आज की इस वाले टेडीएस एमपी की वीडियो में आगे बहुत धमाके होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल पे नीचे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भाई मैंने देखा कि तुम लोगों में से 73% बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अभी तक जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से कर दो, हम लोग बहुत करीब है 50K सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से करवा दो एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। वेट अ सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ पर ये कौन सी जगह है भाई, ये यहाँ पर मैं कैसे आ गया, और भाई मेरी इन्वेंटरी में भी कुछ नहीं है, व्हाट। और यहाँ पर एक डेजर्ट विलेज है भाई, यहाँ पर कितने भाई, ये कितना बड़ा गड्ढा बन रखा है भाई, ये हो क्या रहा है भाई, अचानक से हम लोग मशीन के अंदर गए एंड उसके बाद पता नहीं भाई मैं अचानक से यहाँ पर आ गया, व्हाट भाई, ये कौन सी जगह हो सकती है, क्या कहाँ पर आ गया भाई मैं। और एक सेकंड, ऋषभ भाई कहाँ पर गए, हेलो ऋषभ भाई आवाज़ आ रही है, भाई ऋषभ भाई कहाँ चले गए यार, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, हम लोग वो मशीन से मल्टीवर्स में सिग्नल भेज रहे थे, मेरे को जहाँ तक लगता है ना भाई वो मशीन में कुछ तो गड़बड़ हुई है एंड हम लोग टेडीएसएमपी में कहीं पर टीपी हो गया शायद से, लेकिन यार वो भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर हम लोग टेडीएसएमपी में टीपी हुए होते तो हमारी इन्वेंटरी हमारे पास होती, तो भाई ये कौन सी जगह पे आ गए हम लोग भाई, मेरे को कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा यार। अभी के लिए काम करते हैं, डेजर्ट विलेज में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं भाई हमको कुछ हेल्प वगैरह मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऋषभ भाई यहाँ पर हो तो भाई बेस्ट हो जाएगा, लेट्स गो जल्दी से चलते हैं। और एक तो यहाँ पर भाई क्या गड्ढे बन रखे हैं और यहाँ पर कितना अंधेरा है भाई, और मेरे पास यार खाना वगैरह भी नहीं, कोई ना चला, जल्दी से विलेज पे चलते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह मेरे को सब मिल जाएगा। ओके तो गाइस यहाँ पर आके एक फायदा तो हो गया, हमको एक चेस्ट प्लेट मिल चुकी है आयरन की, चलो ये बेनिफिट हो गया, और मैं थोड़ा बहुत और खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो चलो अभी के लिए थोड़ा बहुत मैंने खाना वगैरह तो बना लिया है, लेकिन यार मेरे को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम लोग वो वाली मशीन पे काम कर रहे थे एंड अचानक से हम लोग अंदर गए एंड पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं और ऋषभ भाई भाई सीधा ऊपर उड़ने लगे एंड अचानक से मैं यहाँ पर आ गया, तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है ना ऋषभ भाई भी यहाँ पर ही होने चाहिए एंड ये कौन सी जगह है यार, सबसे पहले मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा एंड दूसरी चीज़ मेरे को ऋषभ भाई को भी ढूंढना पड़ेगा यार, क्या करूँ मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और भाई सामने एक डेजर्ट दूसरा विलेज है, ठीक है वहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे कोई हमको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा एंड सारे के सारे विलेजर्स भी सो रहे, तो गाइस अभी के लिए तो मेरे को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि क्या करें भाई, तो एक काम करते हैं सामने जो दूसरा विलेज है वहाँ पर ही चलते हैं, तो शायद से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि ये कौन सी जगह है क्या है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा एंड यार ऋषभ भाई भी मेरे को नहीं मिल रहे, तो एक काम करते चलो वो वाले विलेज पे जाके देखते हैं कि हमको कोई हेल्प वगैरह मिल पाती है कि नहीं। ओके चलो चलो भाई जल्दी से चलते विलेज पे एंड भाई मेरा खाना भी खत्म होता जा रहा है, भाई विश करो कि हमको विलेज पे कोई तो क्लू वगैरह मिल जाए कि हम लोग कहाँ पर है एंड एक सेकेंड भाई वो कौन है, भाई वेट ये बंदा है कौन, और एक भाई वो क्या भाई, वो स्वॉर्ड है, उसकी स्वॉर्ड क्या है भाई, और वो विलेजर को कुछ दे रहा है, वेट ए सेकंड भाई काम करते चलो जल्दी से, मैं घूम के जाता हूँ वहाँ पे घर के पीछे से देखना भाई, चलो जल्दी घूम के चलते हैं वहाँ पर, मगर देखना है भाई वो बंदा है कौन और उसकी स्वॉर्ड देखी तुम लोगों ने भाई, वो क्या स्वॉर्ड थी भाई, शायद से ये बंदा हमारी हेल्प वगैरह कर पाए, और पता नहीं भाई ये कौन है, मेरे को रिस्क तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी आर्मर वगैरह नहीं है, ठीक है चलो सैंड वगैरह जल्दी से आ जाओ, चलो ऊपर चलते हैं, आ जा भाई कहीं वो बंदा चला ना जाए, वेट जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते कि भाई वो बंदा कर क्या रहा है और वो विलेजर को मार क्यों रहा था, ठीक है चलो मैं आ चुका हूँ ऊपर, यहाँ से देखते कि वो कर क्या रहा है, ओ भाई इसने विलेजर को मार दिया, शिट बे भाई ये क्या, ओके वो कुछ तो कर रहा है भाई विलेजर के साथ, वो विलेज में ऐसे ही घूम रहा है और विलेजर को कुछ दे भी रहा है भाई, अभी उसके सामने जाके बात करना तो खतरा रहेगा क्योंकि उसके पास पता नहीं भाई कैसी स्वॉर्ड है एंड भाई वो अगर मेरे को मार दिया ना तो पता नहीं भाई मेरा क्या होगा, और वो पता नहीं भाई विलेज में घूमे जा रहा है एंड विलेजर को कुछ तो दे रहा है शायद से भाई, मेरे को आगे का जानने के लिए कि ये कौन सी जगह क्या है और ये लोग कौन है, मेरे को इसका पीछा कुछ भी करके करना पड़ेगा, लेट्स गो वो कहीं पे तो जा रहा है शायद से, चलो मैं उसका पीछा करता हूँ, देखते हैं कि वो कहाँ जाता है, और मैं यार शिट ये कहाँ गिर गया मैं भाई, जल्दी निकलो कहीं वो मेरे हाथ से चला ना जाए, शिट भाई चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं भाई, वेट सेकेंड एक सेकेंड वो कहाँ गया, वो इस तरफ ही गया था ना शायद से भाई, शिट यार मैं गिर गया ना शायद से उसमें, वो मेरे हाथ से निकल गया भाई, गलत सीन हो गया, लेकिन भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि वो बंदा इतनी रात को इधर कर क्या रहा था,
भाई काम करते हैं ना हम लोग यहाँ के विलेजर्स वगैरह से पूछते कि ये कौन सी जगह क्या चल रहा है यहाँ पर एंड क्या सीन है, वो बंदा क्या था और इन लोगों को क्यों मार रहा था एंड वो कुछ तो दे रहा था। तो मैं सब चीजें इस विलेजर से पूछता हूँ और तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। ओके तो गाइस फिलहाल के लिए मेरी उस विलेजर से बात हो गई है एंड उस विलेजर ने मेरे को बताया कि वो जो बंदा है वो यहाँ पर हर रोज आता है क्योंकि वो बंदा इन लोगों को खाना एंड पानी सप्लाई करता है। एंड पानी क्यों सप्लाई करता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी उसने मेरे को बताई कि थोड़े टाइम पहले यहाँ पर जो राजा था या मतलब कि यहाँ का जो किंग था वो पता नहीं अचानक से कहीं पर गायब वगैरह हो गया एंड उसी के 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक नया किंग आ गया जो बहुत गंदा वाला इविल है एंड उसने इस वर्ल्ड का सारा पानी मिटा दिया। पता नहीं वो कैसे, लेकिन ये जो गड्ढे देख रहे हो वो वही पानी के गड्ढे हैं। यहाँ पर पहले बहुत सारा पानी हुआ करता था जैसे कि वो विलेजर ने मेरे को बताया, लेकिन वो इविल किंग के आने के बाद यहाँ का सारा पानी गायब हो गया एंड तभी से वो इविल किंग इन लोगों के साथ मजदूरी वगैरह करवाता है एंड इन लोगों को करनी पड़ती है क्योंकि भाई इनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं रहता। एंड यहाँ पर आके एक और अजीब सी चीज हुई, पता नहीं वो विलेजर मेरे को क्यों सेनापति करके बुला रहा था एंड मेरे को उसने उसी वजह से मेरे को सारी की सारी बातें बताई कि ये सब चल रहा है। भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड दूसरी बात उसने ये भी बताई कि अगर कोई यहाँ पर काम नहीं करता तो वो जो बंदा अभी गया था ना वो बंदा किसी भी विलेजर को कभी भी पूछे बिना मार के चला जाता है। भाई ये लोग इतने इविल है कि क्या ही बताऊं। तो एक काम करते हैं गाइस, इस बंदे ने मेरे को ये बताया कि वो बंदा हर आधे एक घंटे में आता रहता है यहाँ पर, तो क्यों ना मैं उसका वेट करूँ एंड फिर से उसका पीछा कर सकता हूँ मैं, जिससे कि मेरे को और पता चल सकता है कि वो इविल किंग कौन है एंड कहाँ पर रहता है। तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पर एक घर है वहाँ पर वेट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि वो बंदा आके फिर से क्या करता है। तो फिलहाल के लिए तो भाई मैं इस घर में छुप रखा हूँ, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वो बंदा अभी तक नहीं आया। एक काम करते हैं मैं देखता हूँ भाई चुपके से कि वो आया कि नहीं। ओके भाई यहाँ से तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, आगे की विंडो से देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं। ओ वेट अ सेकंड, भाई वो बंदा आ चुका है। वॉट कि वो इस बार घोड़ा लेके आया। ठीक है और वो वहाँ पर विलेजर से शायद से कुछ बात कर रहा है या फिर उसको पानी दे रहा होगा ऑलमोस्ट। भाई ठीक है भाई मेरे को कुछ भी करके इस बार इसका पीछा करना पड़ेगा, लेकिन एक सेकंड वो इस तरफ क्या आ रहा है कि शायद से यहाँ पर एक विलेजर है उसकी वजह से। ठीक है वो इसको दे रहा है पानी वगैरह। ओ शिट उसने मेरे को देख लिया। शिट भाई अंदर छुपना पड़ेगा मेरे को। शिट भाई ठीक है मैं छुप गया। ओ शिट वो अंदर आ गया। रुक जा भाई भाई शिट भाई इसकी स्वॉर्ड भाई 4 हार्ट ले गई। रुक जा। ओ भाई मैं 1/2 हार्ट पे था। वेट अ सेकंड भाई ठीक है ये रुक गया। ठीक है भाई मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। पता नहीं ये भाई इसकी स्वॉर्ड क्या चीज है, लेकिन ये मेरे को मार नहीं रहा। भाई मैं जल्दी से खाना खा के हार्ट्स बना लेता हूँ। भाई इसने 4 हार्ट। एक सेकेंड ये मेरे को भी पानी की बोतल दे रहा है भाई, शायद से ये मेरे को विलेजर गिन रहा है। और एक सेकेंड भाई मेरे को ब्रेड्स वगैरह भी दे रहा है ये। भाई अब तो पक्का है कि ये मेरे को विलेजर ही गिन रहा है शायद से। ठीक है भाई मैं कुछ नहीं कर रहा यार अभी के लिए। ठीक है ये तो सही हो गया भाई कि ये मेरे को विलेजर गिन रहा है, वरना तो अभी तक भाई ये मेरे को मार चुका होता शायद से। भाई मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, इसको मेरी भाषा पता भी चल रही कि नहीं चल रही। ओ वेट अ सेकंड भाई ये वापस आ गया। एक सेकंड भाई अभी के लिए तो ये चला गया था। वेट मेरे को घोड़े पे बैठने के लिए बोल रहा है ये भाई। एक सेकंड हाँ शायद से मेरे को घोड़े पे बैठना है। भाई ये मेरे को कहाँ ले जा रहा है। शिट भाई कहीं इसको शक तो नहीं हो गया मेरे पे, क्योंकि भाई अभी के लिए मेरे पे कोई रास्ता भी नहीं था। और ये देखो भाई ये बंदा मेरे को कहाँ पर लेके आ गया भाई। ये जगह पे कितना पानी है भाई, मेरे को जहाँ तक लगता है ना ये वही इविल किंग का महल है और वो इविल किंग के पास ले जा रहा है शायद से मेरे को। भाई कुछ भी पता नहीं चल रहा भाई, इसके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा मेरे को। और अगर मैं कोई चालाकी करूंगा तो भाई तुम लोगों ने उसकी स्वॉर्ड देखी एक बार भाई, वो क्या ही स्वॉर्ड थी, वो मेरे को 2 शॉट कर सकता है। तो एक काम करते हैं इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके तो भाई ये बंदा मेरे को फाइनली इस महल पे लेके आ चुका है। और ये क्या लग रहा है भाई, कितना गोल्ड है इस महल पे भाई, बहुत खतरनाक सा महल बना के रखा है। एंड जब मैं ये महल में आ रहा था ना, तब इसके चारों तरफ पानी पानी था भाई। तो मतलब तुम लोग सोच सकते हो भाई ये कितने गंदे बंदे होंगे कि देखो भाई यहाँ अंदर भी पानी पानी है सब तरफ।
भाई क्या महल बना के रखा है और वो लोग विलेजर को पानी तक नहीं देते। वहाँ पीछे कुछ तो है शायद से, पता नहीं। और एक सेकंड भाई वो कौन है, एक सेकंड वो कौन था भाई, भाई ये कौन, वो कौन था भाई, वो अचानक से मेरे को देख के गायब हो गया। व्हाट भाई, शिट शिट शिट, ये मेरे को भाई, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदा कौन था और कहाँ ले जा रहा है भाई ये बंदा मेरे को। ठीक है मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ। ठीक है भाई, कहाँ ले जाना चाहता है, और भाई वो कौन बंदा था भाई, पता नहीं लेकिन क्यों, लेकिन अब मेरे को इस जगह पे डर लगा है भाई। ओके, इसने कहीं से तो रास्ता ओपन किया है, शायद से इसके अंदर जाना है मेरे को। भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, शायद से मेरे को अंदर जाना है। ठीक है चलो मैं आ गया भाई। गाइस मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये कोई तो कार कोठरी में मेरे को पैक करने के लिए ले जा रहा है भाई। ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक वो बंदा कौन है। वेट सेकंड, वो वहां पर खड़ा है शायद से भाई, मेरे को भी ये लोग ट्रैप करने के लिए लाए शायद से। शिट भाई, ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया, और लेकिन ये बंदा कैसा दिख रहा है। वेट सेकंड, ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई अंदर। और ये भाई क्या काले काले ब्लॉक से भाई, यार ये कैसी मुसीबत में पड़ गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है ये बंदा। और एक सेकंड भाई, ये निशान तो, वेट सेकंड इसको जाने दो, उसके बाद मैं इस बंदे से बात करता हूँ। पता नहीं भाई ये जिंदा भी है पता, ओ एक सेकंड भाई, शिट इससे पूरा का पूरा ब्रिज गायब कर दिया। शिट भाई, अभी तो यहाँ से निकलना भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है चलो, एक चीज तो सही होगी कि भाई ये बंदा चला गया, तो मैं अब इस बंदे से बात कर सकता हूँ। हेलो भाई, ये सुन भी पा रहा है कि नहीं भाई, अभी तक तो ये भी नहीं पता कि ये लोग मेरे को समझ भी पा रहे होंगे कि, एक सेकंड भाई ये समझ पा रहा है शायद से मेरे को। एक सेकंड, सबसे पहले भाई तुम एक बार उल्टे घूमो तो जरा भाई। एक सेकंड, इसके पीछे जो निशान था भाई, ये देखो भाई, ये निशान तो सेम टैडी भाई के पीछे है। वेट अ सेकंड गाइस, मैं जल्दी से इसको पूछता हूँ कि भाई ये सब चल क्या रहा है। ओके तो फाइनली गाइस, मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, एंड भाई मेरा शक सही निकला, हम लोग आ चुके हैं भाई मल्टीवर्स में, और ये मल्टीवर्स का टैडी है। इसने अपना नाम बताया भाई वॉरियर टैडी, एंड इस मल्टीवर्स की टैडी एसएमपी में वॉरियर पांडा एंड वॉरियर हीरो ब्रांड भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि अभी के लिए वो दो बंदे कहाँ पर है, क्योंकि ये इविल लोगों ने इसको बहुत टाइम से ट्रैप करके रखा है, एंड इसने भाई बहुत टाइम के बाद कोई बंदा दिखा है। एंड अभी के लिए मैं इसको कुछ भी नहीं समझा सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि भाई ये शायद से बहुत पुराने जमाने के, तो शायद से पता नहीं लोगों को पता भी चलेगा कि भी नहीं। एंड मैंने उससे पूछा कि ये दूसरा इविल किंग कहाँ से आ गया, तो इसने मेरे को ये बताया कि यहाँ का वॉरियर हीरो ब्रांड बहुत टाइम से लापता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। एंड उसके बाद से ही वॉरियर पांडा भी गायब हो चुका था, एंड फिर पता नहीं थोड़े दिन के बाद ये इविल किंग यहाँ पर आके राज करने लगता है। एंड इसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन इसने बताया कि वो इविल किंग के पास बहुत ज्यादा पावर है भाई। ये सब बात की बात है, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकले तो निकले कैसे भाई, यहाँ पर चारों के चारों तरफ लावा है भाई। यार ये जगह तुम्हारी है अगर, तो तुमको कोई तो रास्ता मालूम होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का, कोई तो रास्ता होगा। यार ये भी मना कर रहा है, यार अभी यहाँ से निकले तो निकले कैसे, कोई भी रास्ता नहीं बचा है अब तो। एक सेकंड भाई, वो कौन है भाई, हेलो भाई, वॉरियर टेडी, क्या ये वो है, क्या ये वॉरियर पांडा है भाई, लेट्स गो, वॉरियर पांडा आ गया भाई हमको बचाने। भाई इतने टाइम से कहां पर था भाई ये बंदा, इन लोगों को भी नहीं मिल रहा था। ठीक है सुनो, वॉरियर पांडा भाई वहां पर कहीं पर देखो, कोई तो लीवर वगैरह होगा यहाँ से निकलने का, वो ब्रिज वापस से बन सकता है शायद से। देखो भाई प्लीज, कोई लीवर वगैरह हो, ब्रिज बन जाए तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल पाए भाई। देखो वहां पर कुछ, ओ लेट्स गो भाई, हमको लीवर मिल गया, लेट्स गो वॉरियर टैडी भाई, वॉरियर पांडा चलो भाई, हम सब निकलते हैं, यहाँ पर बहुत खतरा है भाई। क्या लग रहा है वॉरियर पांडा, लेट्स गो जल्दी से निकलते गाइस, यहाँ पर बहुत खतरा है, बाहर जाके सारी की सारी बात करते, चलो जल्दी से बाहर निकलते आ जाओ। ओके लेट्स गो भाई, हम लोग बाहर तो आ चुके हैं, चलो जल्दी से। और भाई वो जो भी था वो यहाँ पर ही बैठा था गाइस, तुम लोगों को पता है वो इविल किंग है कौन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ओके नहीं भाई, वॉरियर पांडा तो ना बोल रहा है, वॉरियर टैडी तुमको कुछ भी मालूम है उसके बारे में। ओके ये भी ना बोल रहा है, एक काम करते चलो अभी के लिए बाहर निकलते हैं,
फिर देखते कि आगे क्या करना है, बाहर जाके सोचते भाई। चलो गौरी पांडा तुम भी चलो भाई, जल्दी से बाहर चलो। अरे भाई अभी के लिए खाना वगैरह मत दो भाई, बाहर जाके भी दे सकते हैं। ठीक है कोई ना, चलो लेके जल्दी से निकलते हैं भाई, चलो जल्दी से बाहर निकलो। यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है, और वो अगर इविल किंग आ गया ना भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले चलो जल्दी से निकलते हैं बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई, एक सेकंड। ओके वॉरियर, वॉरियर टैडी तो आ रहा है भाई। वॉरियर टैडी वो कहाँ पर रह गया? वॉरियर पांडा भाई, एक भाई हम लोग तो निकल आए भाई। भाई जल्दी से आओ, शायद से वो आता ही होगा। चलो जल्दी से निकलते, एक काम करते वो वाले डेजर्ट टेम्पल में छुप जाते हैं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, वहाँ पर शायद से उन लोगों का ध्यान वगैरह ना जाए। भाई ये वॉरियर पांडा कहाँ पर रह गया भाई, जल्दी से आ जा भाई। वैसे तो हमको वेट करना चाहिए, लेकिन भाई हमारे पास कुछ भी नहीं अभी के लिए भाई, क्या करे यार वो वॉरियर पांडा। ओके वो आ जाएगा भाई शायद से, मेरे को जहाँ तक लग रहा था, क्योंकि वो अंदर भी बिना डरे आ गया था। कोई ना, लेट्स गो, जल्दी से छुपते और वेट करते वॉरियर पांडा की। यार भाई अभी तक वॉरियर पांडा रह कहाँ गया यार? एक सेकंड, क्या हुआ वॉरियर टैडी? एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है? एक सेकंड, शायद ये कहीं पे ले जा रहा है मेरे को। ठीक है भाई, लेकिन वॉरियर पांडा अभी तक नहीं आया यार, कहाँ ले जा रहा है ये भाई? भाई अचानक से ऐसा कहाँ ले जा रहा है, अचानक से क्या हो गया भाई? वॉरियर पांडा को भी तो लेना है हमको। रुक जा भाई, कहाँ ले जा रहा है ये भाई? ठीक है चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं भाई। कुछ तो ऐसा होगा, वो तो इतने इमेजेस में ले जा रहा होगा शायद से। लेकिन यार अभी तक वॉरियर पांडा नहीं आया भाई, पता नहीं है कुछ स्कैम वगैरह ना कर दे। वेट अ सेकंड, वॉरियर टैडी ये कौन है?